सर आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, आई एम शक्ति, आई एम ए राइटर सर। सर आपका नंबर मेरे को खरबंदा जी ने दिया था। वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धांसू लिखी है साला, ड्राइंग कर्टन के वो ओनर हैं, वो फिल्में बनाते हैं, तो काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए। आप मेल कर दीजिए मुझे। मैं खरबंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए, क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर, कब मैं मेल करूँ। आप भेज दीजिए मुझे, मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूँगा। 5 मिनट दे देना, 5 मिनट में आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा मोटा बताया था। अच्छा बताइए सर, इसमें यह है यूपी की स्टोरी रखी है सर मैंने, बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं। अच्छा, ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है, सामने से दो ट्रक आ रहे हैं, दो ट्रक जैसे स्वयं करके पार हो जाते हैं ना सर, सामने दिखाई ये कार आ रही है। सर ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता उसके ब्रेक फेल हो गए हैं। सर ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहाँ आसमान में जाती है फिर नीचे आती है धार से। हीरो को ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं। हीरोइन को दिखाते हैं वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है। उसको अंदाजा ही नहीं होता यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है। यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, पानी गर्म था, उसको अंदाजा नहीं हुआ। ऊपर डाला, बोली आई मां जल गई मर गई। कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने? खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया मैं सोशल मैसेज पे फिल्टर बना रहा हूँ? तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे, कहाँ है इस पे सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखे हुआ है हमने, एक ट्रक के पीछे हम दो हमारे दो, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक। तेरा दिमाग खराब हो गया भैंस, कहाँ से लिख कर आए ये? कौन बोल रहे हैं? दिव्यज्योत नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मुर्गा बना रहा था। सर कैसी लगी आपको मेरी फिल्म, सही बताइएगा। द बेस्ट पार्ट वाज जो वो जो ट्रक के ऊपर खड़े होकर आई बकेट चैलेंज कह रही है जल गई माँ मर गई माँ। हेलो। हाँ भाई वैस बाब, बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट ने हमें फोन किया था, मैं कांस्टेबल उद्यम प्रताप सिंह बोल रहा हूँ, सुन ले मेरी बात। अगर तूने 2 दिन के अंदर बैंक के पैसे वापस नहीं दिया PCR आएगी, यहाँ पे लेके आएंगे, फिर पछताइयो मत। मुझे 5 मिनट में कॉल कर। 5 मिनट? अरे तेरे 5 महीने से रोक रहे हैं सब। देख मेरी बात सुन ले, तूने अगर फोन काट दिया ना तो कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कॉल कनेक्ट है, PCM से तेरे को पकड़ के हम कहीं भी धरोल लेंगे। थोड़ी देर में कर। अरे थोड़ी देर में काय को कर लूं भाई? सर मैं कॉल कर लेता। अरे काय को कॉल कर रहे हैं, अभी क्या कर रहा है? अभी तू क्या मीटिंग में बैठा है? बात समझिए, बैठा गाय को झूठ बोल रहा, बहाने मत लगा। ये बता पैसे कब पहुंच जाएंगे? सर मुझे क्या दिक्कत? तो पुलिस वाले से झूठ बोलेगा कि टॉयलेट में बैठा तू, मैं कैसे यकीन कर लूँ? आपको आवाज से नहीं पता लग रहा क्या? मेरे को यकीन नहीं आ रहा तो मैं PCR भेजूँ, ठीक है? एक सेकंड आप ये सुनिए। ना भाई मुझे यकीन ना आ रहा बात में, मैं एक बात बता रहा हूँ, इतनी तगड़ी पेनल्टी पड़ जाएगी ना जिंदगी भर याद रखेगा। सर मैं आपके दे, बहुत बड़े बड़े देखे मैंने, और झूठ मत बोले। फोन काट दो, 2 मिनट PCR तेरे घर पे। गाड़ी लेके जा, जाके PCR उठा के ला लौटने को। सर आपको बदबू नहीं आ रही? प्लीज मेरा विश्वास, मैं टॉयलेट में। भाई सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा, तू झूठ बोल रहा टॉयलेट में बैठा। सर एक सेकंड सर, मैं कसम खा के बता रहा हूँ, टॉयलेट में जरा प्लीज मुझे 5 मिनट में कर लो यार। हेलो। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार मिश्रा जी, आप घर पहुंच गए? हाँ घर पहुंच गए। ये मिश्रा जी मैं पूछा था, वैशाली से आया बरौनी से दिल्ली आज? हाँ आए हैं। कोच नंबर 5 में आप थे? हाँ सर कोच नंबर 5 में थे। टॉयलेट गए थे आप? टॉयलेट गए थे। ये आपने किया है? क्या सर आपने किया था ये? नहीं हम नहीं किए हैं सर। क्या हम गए जरूर थे लेकिन हम ऊ नहीं किए हैं, हम ऊ किए थे। असल में हम सीट नंबर 25 पे थे। हाँ, लेकिन जो 26 पे था वो ये किया होगा क्योंकि वो सर खा भी बहुत रहा था और उसका पेट भी बहुत गुड़ गुड़ कर रहा था सर। अच्छा 26 पे मिस्टर कुमार जो? हाँ हाँ सर, वो 26 पे कुमार ही थे। कुमार हमको नाम उनका याद आ गया, कुमार जी थे। और वो हम देख रहे थे कि एक प्लेट खाया, फिर ससुरा 2 प्लेट खा गया और तीसरा प्लेट भी खा गया। सर उसी का काम होगा ही कि कुमार जो है वो कानपुर पे उतरा था और उसने कचौड़ी खाया था और उसके हाथ में हम पुदीन हरा भी देखे थे। मैं सिर्फ आपने पूछ रहा हूँ, आपने किया है, कुमार ने किया है? हम भगवान कसम खा के कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है सर, ये कुमार ने ही किया होगा। हम जब भी जाते हैं पानी डाल के आते हैं सर। हम इसका मतलब आपने नहीं किया? हमने नहीं किया सर, हमने नहीं किया। जो टैप था 20 आपने बंद नहीं करी, जो पानी बह रहा था कुमार ने बंद करी, मतलब एक अच्छा काम किसने किया, मैं ये पूछ रहा था। अच्छा टैप का पूछ रहे हैं? अरे तो भड़वा आदमी सही से पूछना ही क्या, इतना देर से पूछ रहा है कि आपने किया है, आपने किया। हम तो सोच रहे थे वो कैसे किया है। हेलो। हाय ट्रैवल्स। हाँ जी बोल रहे हैं। मुझे आपसे पूछना था, आप दिल्ली बैंकॉक, बैंकॉक दिल्ली फ्लाइट अवेलेबल है कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग? हाँ सर है, टिकट्स अवेलेबल है। मैं नो विद होम आई एम स्पीकिंग विद?
Yeah, my name is Shankar. Shankar. Shankar, आप दो टिकट्स कर दीजिए. एक 3:00 अर्ली मॉर्निंग है और एक सुबह 11:00. 3:00 अर्ली मॉर्निंग आप दो टिकट्स. रिटर्न कब करना है सर? लाइक टुडे इज व्हाट? टुडे इज 20th. आप 24 का कर दो, 24 की नाइट की कोई भी फ्लाइट हो ना. हाँ सर, 24 की नाइट. 24 की नाइट आप फ्लाइट रिजर्व कर दो. जी सर, मे नो योर गुड नेम? विनेश शर्मा. एज 38. ओके सर, जो दूसरा पैसेंजर है वो इन्फेंट है, चाइल्ड है या फिर अडल्ट? शंकर, दूसरा पैसेंजर नहीं है. तो सर मैं एक ही बुक करूँ? एक नहीं, दो बुक करिए आप, दो सीट. सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, आप क्या कह रहे हैं. मैं आपको बताता हूँ, मैं और मेरी वाइफ हर मंथ बायर ट्रैवल करते थे, हर महीने की 21 तारीख को, और हमेशा साथ जाते थे. हमने ये सोच रखा था कि हम हमेशा साथ जाएंगे. माई वाइफ वो इस दुनिया में नहीं है शंकर अभी. अरे सर, सो सॉरी टू हियर दैट सर, बुरा लगा. लेकिन मुझे लगा कि मैंने फिर भी एक वाइफ के लिए सीट बुक कराई. सर वो जहाँ भी है ना सर, वो आपको देख के बहुत खुश हो रही होंगी सर, सच्ची. सर इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि सर टिकट्स एक्चुअली बहुत महंगी हैं, तो सर आप अपने साथ किसी और को ले जाइए. कोई नहीं जाएगा ना. कोई नहीं जाएगा? क्यों सर? सारे मेरी वाइफ के अंतिम संस्कार में लगे हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है. सर डेथ कब हुई? आज ही. आज ही हुई है, उसी के तो अंतिम संस्कार में सब लगे हुए हैं. कोई जाने को तैयारी नहीं मेरे साथ बैंकॉक में. चलो कोई बात नहीं, मैं अरे यार बोल कौन रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. अरे यार.